हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, इस आर्टिकल में बोला गया है बियॉन्ड इकोनॉमीज रैंकिंग पर कैपिटा इनकम मस्ट आल्सो राइज। तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है 2400 समथिंग है, जिसको अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करो तो वो आ जाता है 1.5 लाख रुपया। तो बहुत लोगों को सुन के लगेगा कि ये बहुत अच्छी बात है, जबकि रियलिटी तो है कि ये भी सबको नहीं मिल रहा है। फिर भी ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखो तो उनका 14,000 12,000 डॉलर तो उनके लिए मतलब बेसिक चीज़ है। तभी बोला जाता है उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास पैसा है। हमारे पास आप देख सकते हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है, नो डाउट, पर अभी तो पैसा एक इंडिविजुअल बेसिस पे अगर मैं देखूं तो नहीं है, और नहीं है वो इस 1.5 लाख रुपये के हिसाब से। और सच्चाई तो 1.5 लाख रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो यही बात है, तो चलिए देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। While India becoming the fifth largest economy in the world is an impressive achievement, there is a need to grow fast to increase the per capita income from present levels. Former Reserve Bank Governor C. Rangarajan on Saturday, addressing the 13th convocation of the ICFI Foundation for Higher Education, Mr. Rangarajan said post COVID-19 and the Russia-Ukraine war, there is a need to lay down a clear roadmap for India's future development, and the first and the foremost task is to raise the growth rate. तो ठीक है, वो इनकम पर कैपिटा तभी बढ़ेगी जब अपना ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। इन 2020 इंडियाज़ रैंक विथ रिस्पेक्ट टू पर कैपिटा इनकम वॉज 142 आउट ऑफ 197। आप देख रहे हैं हम कितने पीछे हैं कंट्रीज। दिस ओनली शोज द डिस्टेंस वी हैव टू ट्रेवल। तो अगर ऊपर जाना है तो आप देखो टॉप 10 में आने की, अगर हम बस बात करें जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, हम यहाँ पे फिफ्थ बने, तो आप देख रहे हो, समझ रहे हो कि हमें 137 लोगों को पीछे करना है कंट्रीज को। ऑल द सेम वी हैव नो चॉइस बट टू ग्रो फास्ट गिवन द प्रेजेंट लेवल ऑफ द पर कैपिटा इनकम, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइज द काउंसिल सेड। अकॉर्डिंग टू दी कैलकुलेशन ही सेड इफ कंट्री अचीव्स अ 7% रेट ऑफ ग्रोथ कंटिन्यूसली ओवर द नेक्स्ट 2 डेकेड एंड मोर, इट विल मेक अ सब्सटेंशियल चेंज टू द लेवल ऑफ द इकॉनमी ऑफ इंडिया, में ऑलमोस्ट टच द स्टेटस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अभी कितने साल, 7% का रेट, 2 डेकेड्स मतलब 20 साल, कितना 7% कैसे कंटिन्यूसली, ठीक है, तब डेवलप्ड कंट्रीज के लाइन में रेस में हम आ पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट मस्ट कम आउट ऑफ इंक्रीज ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट इन्हेंसमेंट विदाउट ग्रोथ इज नॉन सस्टेनेबल। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए, ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट होगा तभी सस्टेनेबल है, नहीं तो सस्टेनेबल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे लिए देखें तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, देखिए सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका GDP, दूसरे पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता GDP पर कैपिटा इनकम, एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, और अपना पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने में लगे रहिए। थैंक यू।